हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास हिंदी का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी ली है, तो वो ज़रा ध्यान से देखें कि उनका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी का है, खा है या गा है। यानी कि तीन हिंदी हैं यहाँ पर, ए बी सी वाली, जिसको का, खा और गा के उसमें बांटा गया है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सी हिंदी आपकी है, क्योंकि कहीं पता चले कि आपके पास हिंदी खा है और आप हिंदी का की वीडियो देख रहे हैं, और हिंदी गा है और आप आपके का की वीडियो देख रहे हैं। तो वैसे तो मैंने आपको हिंदी खा और गा और का तीनों की वीडियो बनाने के लिए जो है यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हिंदी का की। तो हिंदी का के अंदर जो हमारी वीडियो आज बनेगी वो किसकी बनेगी, तो यहाँ पर यूनिट नंबर टू जुलूस, यहाँ पर जो है लेसन नंबर वन है यूनिट नंबर टू का। तो इस लेसन को आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं कि आखिरकार इस लेसन के अंदर क्या दिया गया है। ये जो जुलूस नाम का जो लेसन है आपका, ये जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो आखिरकार इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्टोरी है आपकी जुलूस प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो उनका हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पर हम पहले इसकी प्रस्तावना, लेखक का परिचय देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद जो है एक स्थल पर कहते हैं कि लेखक का काम दीपक की तरह निरंतर जलते रहना है, जल जल कर जीवन के अंधकार को दूर करते रहना है। और अपनी कहानी की इसी उक्ति को प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से चरितार्थ किया। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं जो अपने जीवन और साहित्य के द्वारा जनमानस का मार्गदर्शन करते हैं और उनके हित की बात सदियों से करते आ रहे हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जीवन अभावों, कठिनाइयों और यातनाओं में बीता था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया था और 15 वर्ष की छोटी अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण सौतेली माँ, उनके पिता, पत्नी और स्वयं के पालन पोषण का भार प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा था। तो एक छोटा सा इंट्रो है जो कि आपको राइटर के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना है। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कहानी के सारांश की, कि आखिरकार इस कहानी के अंदर क्या दिया गया है। तो ये कहानी है जिस कहानी का नाम है जुलूस। अब जुलूस कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित एक सशक्त कहानी है। इस कहानी के अंदर जो है देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है। इस कहानी में चार अंश हैं जो कि पाठक को केवल बांधे ही नहीं रखते बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के परिवेश को बखूबी दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आप जैसे स्टोरी को सुन रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है जुड़े रहेंगे। कहानी का जो आरंभ है वो सबसे पहले कैसे होता है कि पूर्ण स्वराज के लिए निकल रहे जुलूस से होता है। जुलूस का मतलब होता है रैली, आपने सुना होगा कि जो रैली निकलती है, जैसे कि 26 जैन में जब या 15 अगस्त में जब कभी भी जो लोग बाहर निकलते हैं और झंडे लेकर जो है वहाँ पर आवाज़ लगाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक जुलूस निकल रहा है जिसमें कुछ युवक हैं, कुछ बूढ़े हैं और कुछ बालक झुंड लेकर वंदे मातरम गाते हुए निकल रहे हैं। इन्हें देखकर शंभुनाथ अपनी दुकान में खड़े दीनदयाल से कहता है। अब शंभुनाथ एक आदमी है जो कि अपनी दुकान वहाँ पर जो है लिए बैठा है, और उसके साथ में ही एक और बंदा है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका नाम है दीनदयाल। वो उनसे कहता है कि ये सब काल के मुंह में जा रहे हैं। अब ये सुनकर दीनदयाल का मानना है कि इस जुलूस से कुछ होने वाला नहीं है। अब वो दोनों के दोनों आपस में यही टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा, और दूसरा वो भी कह रहा है कि भाई हाँ ये सब सिर्फ ऐसी है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, यदि ऐसे आज़ादी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। वो क्या कहता है कि आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं मिलेगी जुलूस से, आज़ादी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। इनमें कुछ ही लोग हैं जो कि दिखने में लफंगे और सिरफिरे लगते हैं, शहर का कोई बड़ा आदमी इसमें है ही नहीं। अब इन दोनों की बातें सुन मेंकू जो है वो हंसता है। मेंकू नाम का एक और बंदा है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है। इसका कारण पूछे जाने पर मेंकू कहता है कि बड़े आदमी तो कभी जुलूस में आते ही नहीं, वे तो बंगलों के अंदर, महलों में रहकर, मोटो कारों में घूमते हैं और दावतें खाते हैं। उनको इन जुलूसों से और इन रैलियों से कोई लेने देना नहीं होता है, जबकि इन लॉन्डो जैसे आम आदमी जुलूस में जाकर डंडे खाते हैं और घूमते फिरते हैं। शंभू का मानना है कि इन लॉन्डो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यदि चार बड़े आदमी आ गए तो सरकार पर धाक जमती है। वो कहते हैं कि भाई आजकल की जो युवा जनरेशन है ये 2 मिनट में तो अभी एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद में फिर दोबारा से वही डीएक्टिव हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि चार बड़े लोग आ जाएँ तो फिर उसके बाद में जो है सरकार पर थोड़ी सी धांस जमती है। इसमें कितने ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने ही बड़ा बनाया है, लेकिन मेकू की नज़र में बड़ा आदमी वही है जो लंगोटी पहने नंगे पाँव घूमता है, जो जनता की दशा सुधारने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे आता है। अब मेकू क्या बोलता है कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो मोटर कार में आ रहा है या फिर बंगलों में बैठा है, बड़ा आदमी वो है जो निस्भाव से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता है और नंगे पैर जो है वो जनता के बीच में आकर घूमता है।
अब वही दीनदयाल बताता है कि नया दारोगा जल्लाद की तरह है। अब एक यहाँ पर दारोगा की बात की गई है कि वो जल्लाद की तरह है, हंटर लेकर वह ऐसे आगे बढ़ेगा कि सभी दुम दबाकर भागने लगेंगे। अब जुलूस जब आगे बढ़ता है तो सिपाहियों का दस्ता उन्हें रोक लेता है। दारोगा आगे आकर उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है। इस पर जुलूस का नेता इब्राहिम अली जो है उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि वे लोग किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करेंगे सर, और उनका मकसद तो स्वाधीनता है, सिर्फ आज़ादी है। जब दारोगा बीरबल उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता तो वे सभी वहीं पर बैठ जाते हैं। अब उनका कहना है कि वे वापस नहीं जाएंगे, उनकी मनसा गुलामी की जंजीर से मुक्त होना है। अब बीरबल जो है वो ग्रेजुएट था, उसके पिता सुपरिटेंडेंट पुलिस थे और उसकी नस नस में रौब भरा हुआ था। डीएसपी के घोड़े को आते देख उसकी अपनी बैंत निकालता है और लोगों पर चलाने लगता है। मतलब डीएसपी को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, और अन्य पुलिस बल भी घोड़े से भीड़ पर वार करते हैं और एक बैंत इब्राहिम अली को भी लगती है, इससे कि वह गिर जाता है। तभी सभी पर वार किए जाते हैं। 10-12 मिनट तक भीड़ पर डंडे बरसते रहते हैं लेकिन लोग शांत रहते हैं। अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। इस घटना का प्रभाव दूसरे अंश में दिखाया गया है। इस मारपीट की खबर बाजार में पहुंचती है, कई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। यह देख मेकू चला जाता है। दीनदयाल भी वहां से जाना ही ठीक समझता है क्योंकि ये लड़ाई हो रही थी। अब जो लोग कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे वे सभी लोग घटना को देख चले जाते हैं। भीड़ में उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वे घायल होने के बाद भी आगे बढ़ते जाते हैं। उधर डीएसपी के साथ में हजारों की संख्या में पुलिस बल आता है। अब घोड़े की टाप खाकर गिरने के बाद इब्राहिम लोली जो है अली जो है वो कैलाश से यह जान पाता है कि पुलिस बल जो है अधिक संख्या में आ रहा है। यह देख इब्राहिम अली वापस लौटने का मन बनाता है क्योंकि अपने लोगों पर वह हाथ उठाना नहीं चाहता बल्कि उनका मकसद स्वाधीनता पाना है। अपरिमाणते सब जो है लौट जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा अंश होता है कहानी का, घटना के 3 दिन बाद से आरंभ होता है। बीरबल सिंह अपनी पत्नी मिट्ठन से बात करता है। मिट्ठन नाम एक जो लेडी है वो बीरबल की पत्नी है। वो बीरबल एक और डीएसपी के आने के कारण जुलूस को रोका जाना जरूरी था ये बात कहता है, तो दूसरी ओर अपनी पत्नी का मानना है कि जुलूस पर डंडे और बैंत नहीं चलाने चाहिए थे। साथ ही वह ये भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि डीएसपी साहब ने मेरा नाम नोट कर लिया है, लेकिन मिट्ठन को ये हंसी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं ना कि भाई मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मेरा नाम लिख लिया उन्होंने कि तुमने उन पर जो है वहाँ पर बैंत जो है चलाई थी और डंडे चलाए थे। उनका मानना है कि ऐसी तरक्की कोई तरक्की नहीं है बल्कि तरक्की देशभक्ति और लोगों की जान बचाने में है, उन्हें डंडे मारने में नहीं है। तभी एक सरकारी चिट्ठी आती है जिसमें एक जुलूस में उन्हें रहने का हुक्म दिया गया। इस पर मिट्टन मजाक बनाती है, यह जुलूस तो तुम्हें इंस्पेक्टर का पद दिलवा देगा। अब वो उसको एक दिन बोलते कि भाई पहले तुमने उन लोगों को मारा, अब और मारोगे तो आपको जो है आगे जाकर और अच्छा पद मिल जाएगा, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। बीरबल को ये मजाक पसंद नहीं आता, यद्यपि वह पुलिस दारोगा है किंतु उसमें भी देशभक्ति का भाव जो है विद्यमान है, मतलब मौजूद है। तभी बाजे की आवाज़ आती है, स्वराज के लिए हो रहे जुलूस की थी। सभी पुलिस दल तैयार हो जाते हैं। जुलूस के आगे आगे जाता है जुलूस आगे जाता है और एक और अगणित कंठों से वंदे मातरम की आवाज़ें निकल रही हैं, यानी कि गलों से बहुत सारी जो है वंदे मातरम की आवाज़ें निकल रही हैं। असल में यह है जुलूस एक शहीद के मातम का था जिसकी इच्छा थी कि मरने के बाद गंगा में स्नान करवाकर उसकी मजार पर स्वराज का झंडा फहराया जाए। अब उस शहीद के इस जनाजे पर 1-1.25 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बीरबल सिंह जुलूस के इर्द गिर्द फासले पर कांस्टेबल की नियुक्ति कर स्वयं पीछे आने लगता है। पिछली पंक्तियों में स्त्री थी जिसमें एक कतार में मिट्ठन भी दिखाई देती है। इन्हीं कतारों में एक स्त्री पूछती है कि कहीं इस डंडे इन पर डंडे तो नहीं बरसाओगे। एक कहती है कि कोई आपके भाई बंधु ने ही शहीद को घायल किया है। मिट्ठन कहती है कि भाई ने नहीं, उन्होंने ही घायल किया है। यह सुन सभी आवेश और क्रोध से भर उठती हैं। एक कहती है कि इस कार्य के लिए आपका सम्मान और यशोगान होना चाहिए। एक बुढ़िया कहती है कि तुम्हारे जैसे पुत्र के पैदा होने पर उसकी गर्दन ही मरोड़ देती। साथ ही वह उसे पेट पर गुलाम कहती है, पेट का गुलाम। तो बीरबल सुन नहीं पाता और नारी द्वारा अपमान किए जाने पर ग्लानी ग्लानी के भाव से भरकर पीछे चला जाता है। उसके मन में आता है कि इन कामों के लिए उसे ही तैनात क्यों किया जाता है, क्या वह भाव शून्य है। उसे मिस्टन के बारे में सोचकर भी बुरा लगता है कि उसने बिना पूछे जुलूस में शामिल होकर उसे अपमानित कर रही है, यानी कि जो उसकी बीवी है वो उससे बिना पूछे जो है जुलूस में आ गई थी। अब 11 बजते बजते क्या होता है कि जुलूस जो है नदी के किनारे पहुंचता है जहाँ पर जनाजे को उतार कर गंगा स्नान करवाया जाता है। कई हजार लोग रक्त में लथपथ शहीद के अंतिम दर्शन करते हैं। बीरबल भी जब शहीद को देखता है तो उसे डंडे का निशान स्पष्ट दिखता है, इससे उसमें आत्मलीन होती है और उसे अपने वार में कर्तव्य पालन से कहीं ज़्यादा स्वार्थ प्रतीत होता है। ऐसे में हजारों क्रोधित आंखें उसे देख रही थी। एक कांस्टेबल बीरबल की तारीफ कर शहीद को सिरफिरा कहता है। यह सुन बीरबल जो है आत्मग्लीन से भरकर अपने कर्म या कुकृत्य के लिए शर्म कर रोने लगता है। वो अब रोने लगता है कि भाई मैंने ही इसको मारा था और उसके बाद में उसको सिर्फ जो है पोस्ट मिल जाती क्योंकि उसने अपना काम किया था। अब स्नान समाप्त होता है। चौथे और अंतिम अंश में शव को दफनाकर सब लौट जाते हैं। मिट्ठन कई बार दूर कुछ दूर चली जाती है किंतु उसका मन घर जाने को नहीं कर रहा था। उसने पति के प्रति विकृति पैदा हो गई थी पर काफ़ी देर तक पार्क में बैठी रही। तत्पश्चात उसे इब्राहिम अली की याद आई, वह इन लोगों से कैसे बात करेगी।
वह इब्राहिम अली के घर पहुंचती है जिनकी अंतिम क्रिया हो चुकी थी। वह उनके घर पहुंचती है, एक युवक वहां आंसू बहा रहा है और कोई नहीं वो बीरबल ही था, जिसे न केवल गलती का एहसास हुआ वरन देश के प्रति देशभक्ति की भावना भी जन्म ले चुकी थी। अब यह देख मिट्ठन में एक गर्व, उल्लास और प्रेम का मिश्रित भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार कहानी स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ बीरबल जैसे लोगों की बदलती मानसिकता को भी उद्घाटित करती है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी आपको समझ में आई होगी। स्टोरी के अंदर जुलूस के आधार, जुलूस स्टोरी जो होती है इसमें किस तरीके से